हाय गाइस, वेलकम बैक टू ठाकरे सर क्लासेस। मैं फ्रेंड संदीप ठाकरे आज प्रेजेंट करने वाला हूँ रीजनिंग की फर्स्ट क्लास, जो कि इंट्रो क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि रेलवे विभाग और एसएससी में फ्रेंड्स 25 से 30 मार्क्स का रीजनिंग कवर करता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन टॉपिक से फ्रेंड्स मतलब क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप इस मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कि रीजनिंग की। आपने देखा होगा कि रीजनिंग जब भी किसी मतलब किसी भी स्टूडेंट्स को बेसिक से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स, तो कोडिंग और डिकोडिंग मतलब कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि आपको रीजनिंग में अल्फ़ाबेट से जो पोजिशन नंबर है तो फ्रेंड्स आपको याद होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स क्या करते कि जाते एग्जाम हॉल में और फर्स्ट जो रफ पेज मिलता है फ्रेंड्स उस पर लिख देते हैं, मतलब ए से लेकर जेड तक के फिर नंबर भी लिख देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको अपना टाइम बचाना है फ्रेंड्स, तो आपको याद मतलब पहले से ही करके जाना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अल्फ़ाबेट्स में जो इनका पोजिशन नंबर है उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं एकदम सरल और आसान भाषा में। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ए बी सी डी ई तक, ई तक जनरली फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट्स को याद होता है उनका जो पोजीशन नंबर है, कि ए एक पे आता है, बी दो पे आता है, सी की बात करें फ्रेंड्स तो ये तीन पे आता है, और डी की बात करें फ्रेंड्स तो यह चार पे आता है, और ई की बात करें फ्रेंड्स यह पाँच पे आता है। बात आती है फ्रेंड्स कि जो आगे में है मतलब लेटर्स उनका मतलब पोजीशन नंबर कैसे याद करें, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि कुछ ऐसे अल्फाबेट मतलब लेटर है कि उनका पोजीशन नंबर उन्हीं में छुपा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, सिंपली बात करें फ्रेंड्स कि एफ, एफ आता है सिक्स पे, तो इसको कैसे रिलेट कर पाएंगे फ्रेंड्स छः से। देखिए अगर से आप एफ को कुछ इस प्रकार से लिख दें, देखो ये एफ दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, एफ एफ में फ्रेंड्स आपको कुछ सिंपल सा ऐसा कर देना है, तो आपको सिक्स टाइप दिख रहा होगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स बात आती कि अब जी की, कि जी को अपन सेवन से कैसे रिलेट कर पाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स यह भी मतलब उसमें छुपा हुआ है सेवन। देखिए कैसे आपने जी लिखा फ्रेंड्स, आपने आपको कैसा करना देखिए ये ऐसा, तो आपने देखा कि सेवन नंबर पे आता है जी, तो आपने फ्रेंड्स आपने देखा कि इस प्रकार से आपने उसे रिलेटेड कर पाया। या फिर आप मतलब किसी भी चीज़ को आपको याद करना फ्रेंड्स, तो आप एक काम मतलब कर सकते कि उसको किसी चीज़ से लिंक करके मतलब कर सकते, उसे आगे देखेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि आपने देखा कि जी सेवन नंबर पर आता है, अब बात करते फ्रेंड्स ए मतलब कि एच की, तो एच आता है कितने नंबर पर, आठ नंबर पर, तो फ्रेंड्स इसे याद कैसे करेंगे हम देखिए। सिंपली आपने एच लिखा, फिर एच को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर दिए, तो आपके सामने ये एट निकल के आ रहा होगा फ्रेंड्स। बात करते हैं फ्रेंड्स आई की, तो आई आता है फ्रेंड्स नाइन नंबर पे, आपको सबको पता है। अगर आप क्रेशू राइटिंग लिखते हैं फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स आई को कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आई यहाँ से नाइन नंबर से हमने रिलेट कर पाए। और बात आती है फ्रेंड्स कि जे, जे आता है फ्रेंड्स टेन नंबर पे, तो आपको क्या करना है कि जे मीन्स मतलब कि जग होता है फ्रेंड्स, तो आपने मतलब बचपन में पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक जग से दस लोगों को पानी पिलाना है फ्रेंड्स। आपको अगर इसका याद करना है पोजीशन नंबर, तो आप कैसे रिलेट कर पाएंगे देखिए। जे आता है फ्रेंड्स टेन नंबर पे, तो आप सोचिए कि जग से दस लोगों को पानी पिलाना है, क्या एक जग से दस लोगों को पानी पिलाना है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ से याद कर पाएंगे जे का पोजीशन नंबर। बढ़ते फिर नेक्स्ट की ओर, तो फ्रेंड्स आपने जे तक देख लिया और आप आता है नेक्स्ट के, तो के आता है फ्रेंड्स 11 नंबर पे, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि के को जब ऐसा कुछ ब्रेक करेंगे आप, तो एक डंडी मिलेगी और एक डंडी मिलेगी। आप बस एक बार लिंक करते हुए चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक पूरे के पूरे पोजीशन नंबर याद हो जाएंगे। और जब इस डंडी को फ्रेंड्स आप सीधा कर देंगे, तो एक डंडी पहले से थी, फिर एक इस डंडी को आप सीधा कर देंगे, मतलब कि इसको एकदम सीधा कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, मतलब कि ये इस प्रकार से दिखने बढ़ जाएगी। जब डंडी मुड़ी हुई फ्रेंड्स इसको सीधा करेंगे, तो आप इस वाले पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको पता हो गया कि 11 के मतलब कि 11 जो है के का पोजीशन नंबर होता है। तो फ्रेंड्स बात आती है कि यल की,
यल का फ्रेंड्स मतलब 12 नंबर पे आता है यल। अब इसे कैसे रिलेट कर पाएंगे आप, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें एक लाइन है और इसमें एक लाइन है, मतलब कि दो लाइन से मिलकर बनाए फ्रेंड्स क्या अपना यल। तो यल में दिख रहा होगा फ्रेंड्स लास्ट में दो आ रहा है, तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि यम, नेक्स्ट फ्रेंड्स यम और डब्लू, ये आता है फ्रेंड्स 13 नंबर पे, ये आता है 23 नंबर पे। ये अल्फाबेट में फ्रेंड्स ऐसे दो वर्ड है जिनके लास्ट में 3 आता है, और फ्रेंड्स इनमें मतलब कि एम को जब आप ऐसा उल्टाएंगे, जैसे कि देखिए उल्टा करके देखिए यम को, ये कुछ एम इस प्रकार से था, और जब इसे उल्टा किए तो फ्रेंड्स यह 3 बन जाता है, और फ्रेंड्स 3 के सामने यहाँ एक लगा दे तो यह बन जाता है 13 नंबर पे आपका क्या एम। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डब्लू की, तो अब यम 23 पे तो आएगा नहीं फ्रेंड्स, तो 23 नंबर पे आपका डब्लू हो जाएगा फ्रेंड्स। यह भी जब इसको उल्टा करेंगे फ्रेंड्स यह भी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्योंकि यम 23 पे आ नहीं सकता फ्रेंड्स, तो इस कारण से इसे हम 23 पे ले लेंगे। मतलब कि आप याद करने के फ्रेंड्स लिंक करते हुए चलिए, आपको एक मतलब जल्दी याद हो जाएगा और मतलब लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा फ्रेंड्स। बात करते हैं फ्रेंड्स कि यन यन की, तो आपको फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 5 मैजिक वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, जो हमें अल्फाबेट के पोजीशन नंबर याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कौन से वर्ड है देखिए फ्रेंड्स, यह है फ्रेंड्स ई जो टी, जो कि 5, 10, 15, 20 और 25 पे आते हैं फ्रेंड्स। तो ये हर वर्ड में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 5-5 का गैप है, क्या सभी में देखिए फ्रेंड्स 5-5 का गैप है, मतलब कि फ्रेंड्स आपको अगर से यन याद करना है तो यन सबसे करीब या फिर किसके पहले आता है वो देखिए फ्रेंड्स, कि आपने यहाँ से याद किया फ्रेंड्स ई जो टी से ओ का 15 आता है, जैसे कि ई का 5 आता है, जे का 10 आता है, और ओ का 15 आता है, बीस मतलब कि टी का 20 आता है, और वाई 25 नंबर पे आता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आपको ओ का यहाँ से याद हो गया, ठीक है। अब ओ के यन किसके मतलब पहले आता है या फिर किसके मतलब कि समीप आता है, तो चेक करिए फ्रेंड्स कि आपको दिख रहा होगा कि वो के पास में आता है यन, मतलब कि अगर से वो 15 पे आता है और इसमें से एक माइनस कर दे फ्रेंड्स, तो आपको यन प्राप्त हो जाएगा, जो कि 14 नंबर पे आता है। और फ्रेंड्स आप बात करें कि पी, पी आता है अगर इसमें एक प्लस कर दे और इसमें एक माइनस कर दे तो एन प्राप्त हो जाएगा, और इसमें एक प्लस कर दे तो फ्रेंड्स पी प्राप्त हो जाएगा, जो कि 16 नंबर पे आता है। फ्रेंड्स आपको एक अच्छी और ट्रिक बताता हूँ, एकदम धासु ट्रिक मतलब ट्रिक, जो कि आपको मतलब एक बार में याद हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स और इस जो लेट मतलब ये जो लेटर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इन लेटर में कई स्टूडेंट्स मतलब कंफ्यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स बात आती है कि क्यू आर एस को कैसे याद करें, तो फ्रेंड्स आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप उस ट्रिक को फॉलो करिएगा और वो आपको बहुत मतलब कि बहुत लंबे समय तक याद रहेगी फ्रेंड्स, ऐसी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्यू, क्यू आता है फ्रेंड्स 17 नंबर पे, तो क्यू से आपको पता है कि फ्रेंड्स क्वीन होता है, और आर से समझ लीजिए कि राजा है। तो फ्रेंड्स बात आती है कि क्वीन 17 साल की है, देखिए क्वीन 17 साल की है, राजा 18 साल का है, और फ्रेंड्स 19वें साल में उनकी शादी होती है, 19वें साल में उनकी शादी होती है। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक क्या है अपनी देखिए, कि 17 साल की क्वीन मतलब कि रानी है, 18 साल का राजा है, और 19वें साल में उनकी शादी होती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आपको इजीली क्यू आर एस का मतलब कि याद हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं टी की, तो फ्रेंड्स जो क्रिकेट लवर होंगे फ्रेंड्स तो उन्हें याद तो आराम से हो ही जाएगा टी का पोजीशन नंबर, क्योंकि T20 क्रिकेट से रिलेटेड करता है फ्रेंड्स, तो टी का पोजीशन नंबर फ्रेंड्स 20। तो बात करते हैं फ्रेंड कि अब यू, यू आता है फ्रेंड्स 21 नंबर पे, आप सबको पता है यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको याद करना चाहिए कि टी आपको पता हो गया फ्रेंड कि 20 नंबर पे आता है और यू 21 पे आता है, मतलब कि आप देखिए कि यू किसके पास में है।
तो टी के बाद में आता है फ्रेंड, जैसे कि टी आता है 20 नंबर पे, और जब उसमें एक प्लस कर दे तो आपको यू मिल जाएगा जो कि 21 नंबर पे आपको दिखेगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड कि वी, वी को कैसे याद कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स वी आता है 22 नंबर पे, जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये एक लाइन और ये एक लाइन, मतलब कि इसमें दो लाइन का यूज हो पा रहा है। तो आप इस प्रकार से लिंक करिए कि ये एक लाइन को, मतलब कि दो दो लाइन और इसमें दो लो, मतलब कि एक प्रकार से देखिए कि दो लाइन है उसे दो दो बार यूज किया जा रहा है, मतलब कि ऐसे याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। बात आपको डब्ल्यू का बता दिया फ्रेंड्स, और बात आती फ्रेंड कि एक्स को कैसे याद कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्स आता है फ्रेंड्स 24 नंबर पे, तो आपने देखा कि एक्स एक दिशा और एक दिशा और एक दिशा, मतलब कि जो एक्स की लाइन से फ्रेंड्स यह चारों दिशा में जा रही है। और फ्रेंड्स जो एक्स आता है वो 24 नंबर पे आता है, और इसके लास्ट में चार, मतलब कि ये चारों दिशा में, इसका देखिए फ्रेंड लाइन चारों दिशा में जा रही है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे दिख पा रहा होगा, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रही होगी जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। एकदम मैं मतलब खुद ही बनाया हूँ इन्हें, और आपको एकदम सरल और आसान भाषा में मतलब समझ में आए इसलिए बनाया हूँ फ्रेंड्स। और बात करते हैं कि वाई, वाई और जेड। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ये अल्फाबेट का लास्ट नंबर होता है जेड, और सभी को पता है कि ये 26 नंबर पे आता है। और फ्रेंड्स आपको बताया था कि वाई कहाँ से याद करना है, यहाँ से आपको वाई याद हो जाएगा, ई जो टी से। फ्रेंड्स इसे भूलना नहीं है, इसे आप मतलब कि याद रख लीजिए कि ई जो टी मतलब कि 5 से चालू होता है, और सभी नंबर्स में फ्रेंड्स मतलब सभी लेटर में 5-5 का गेप होता है। आइए फ्रेंड्स आपको पूरी अल्फाबेट समझ में आ गई होगी कि क्या क्या पोजीशन नंबर होता है इनका। फ्रेंड्स आपको याद कराने के लिए मैं और एक ट्रिक लाया हूँ जिससे आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। जैसे कि मैं पूछूंगा कि आपको कि W कितने नंबर पे आता है, तो आपको बताना है 23 नंबर पे। जैसे कि P पूछूंगा फ्रेंड्स, तो आप बोलेंगे अपने मन में बोले, या फिर थोड़ा जोर के भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि P पूछा मैंने कि P, तो आप बोलेंगे 16 नंबर पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेडी। V, आवाज नहीं आई थोड़ा जोर से। वी, यल, पी, क्यू, जी, आई, एम, ओ। ठीक है सर, तो मैं मानूं कि आपको अब याद हो चुका है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हम नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हम पोजीशन लेटर की, कि पोजीशन लेटर क्या होता है। जैसे कि ए का जेड पोजीशन लेटर होता है, बी का वाई होता है, और सी का एक्स होता है। तो फ्रेंड्स हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जो कि आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कि ए का जेड होता है अपोजिट लेटर की बात करें, तो फ्रेंड हम इसे कैसे याद कर पाएंगे। देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने लिखा है आज, तो आज में फ्रेंड्स ए भी आ जा रहा है और जेड भी आ जा रहा है। और फिर नेक्स्ट एक बात करते हैं फ्रेंड कि बी का वाई होता है अपोजिट लेटर की, तो हम इसे कैसे याद करेंगे, बाय से, बाय बाय। तो फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे कि बी भी आ गया, उसमें वाई भी आ गया। और फ्रेंड्स बात करें कि सी का एक्स होता है अपोजिट लेटर, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कॉरेक्स एक खांसी की दवाई है, और उसमें देख पा रहे होंगे कि सी भी आ गया और एक्स भी आ गया। अब बात करें फ्रेंड्स कि डी का हो जाता है डी, मतलब कि डब्ल्यू हो जाता है फ्रेंड्स उसका अपोजिट लेटर। तो आपने देखा होगा कि एक डिवो आता है फ्रेंड, डिवो डिवो, हम ऐसी स्प्लिंग तो नहीं बनती डिवो की, वैसी कुछ अलग बनती है। तो हम एक प्रकार से रिलेट कर पा रहे हैं कि फ्रेंड्स की जो डिवो आता है फ्रेंड्स, तो उसमें डब्ल्यू भी आ जा रहा है और डी भी आ जा रहा है, सॉरी डी भी आ जा रहा है और डब्ल्यू भी आ जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स कि ई का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो ई का फ्रेंड्स वी हो जाता है क्या, अपोजिट लेटर। जैसे कि आप मैंने लिखा है फ्रेंड यूनिंग, यूनिंग फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे कि ई भी आ गया और वी भी आ गया, मतलब क्या फ्रेंड्स आपको याद करना अपोजिट लेटर, तो आपको एक तो एक ट्रिक से माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप रट सकते हैं कि ई का वी होगा, ये आपका यू होगा, ए का जेड होगा, बी का वाई होगा, बट आपको रटा रहेगा फ्रेंड कुछ टाइम तक याद रहेगा, फिर आपका मतलब दिमाग से निकल जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कि यफ का यू आ जाता है, मतलब कि यफ का यू होता है अपोजिट लेटर। तो आप
मतलब कुछ आश्चर्यजनक मतलब कि चीज़ देख लेते फ्रेंड्स, तो उफ मतलब मुंह से निकल जाता है। तो फ्रेंड देख पा रहे होंगे कि यहाँ यू का आप ऐसा भी मतलब ले सकते हैं, अपोजिट लेटर की जब भी बात होती है फ्रेंड कि ए का जेड होता है, बट जेड का अगर से अपोजिट लेटर की बात करें फ्रेंड्स तो वो ए होगा, अगर से वाई का अपोजिट लेटर की बात करें फ्रेंड्स तो बी होगा, और एक्स का अगर अपोजिट लेटर की बात करें फ्रेंड्स तो सी होगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात आती कि जी का हो जाता है फ्रेंड्स टी, तो आपका आपने देखा हो फ्रेंड कि दिल्ली में एक रोड है जीटी रोड। और फ्रेंड्स बात करते हैं कि एच का एस होता है, तो हम कैसे रिलेट कर पाएंगे, एच ये हॉर्स लिखा हो फ्रेंड्स मैंने आपको समझाने के लिए ट्रिक के माध्यम से, तो यह हॉर्स में फ्रेंड एज भी आ जाता है और यस मतलब कि यस भी आ जाता है। आपको फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट देखें तो आई का हो जाता है आर, क्या आई का हो जाता है आर अपोजिट लेटर, तो फ्रेंड आपको कैसे याद करना है कि इंडियन रेलवे, जैसे कि यहाँ पर आई आ गया और आर भी आ गया, तो फ्रेंड्स इसे तो मतलब सभी को भूल जाओ, बट आप इससे मतलब भूलना ही मत, क्योंकि इंडियन रेलवे में आपको सिलेक्शन लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स बात करते हैं कि नेक्स्ट आ जाता है जे का हो जाता है क्यू, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिखा जॉकी, जो सभी लड़कों को पता होगा कि जॉकी का क्या आता है, तो फ्रेंड्स जे का हो जाता है, यहाँ पर जे भी आ रहा है और क्यू भी आ पा रहा है, मतलब देख पा रहे हो फ्रेंड्स आप। और फ्रेंड्स के का हो जाता है पी, क्या के का पी हो जाता है, तो आपने फ्रेंड्स पी के मूवी देखी होगी, सभी ने मतलब सभी स्टूडेंट्स ने देखी होगी फ्रेंड्स पी के मूवी, अच्छी है। और बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट की तो है अपना एल का हो जाता है ओ, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिखा लाइट ऑन, आपको याद कराने के लिए फ्रेंड्स देखा कि मतलब कौन सा सिंपल वर्ड बैठ सकता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे कि यल मतलब कि यल से लाइट मतलब लिखा और ऑन मतलब कि लाइट ऑन, मतलब कि आप रिलेट कर पाएंगे कि यल का अपोजिट लेटर अगर से या मतलब किसी ने पूछा आपको तो आप क्या बोलेंगे, लाइट ऑन मतलब कि एल और वो ऐसा। तो फ्रेंड बात करते कि यम का यन हो जाता है क्या अपोजिट लेटर, तो फ्रेंड इसे कैसे याद करेंगे, आपने देखा होगा फ्रेंड कि मन मूवी से आपको याद कर लेना चाहिए, क्या क्या बोलना चाहिए, यम का यन हो जाता है, अगर से यन का मतलब कि अपोजिट लेटर पूछ ले फ्रेंड्स तो वो यम हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर से आपको ये ट्रिक याद नहीं आ रही तो आपको एक सिंपल फंडा क्या करना है, 27 में से जो भी लेटर का आपको क्या चाहिए मतलब कि अपोजिट लेटर, तो आप जैसे कि ए का चाहिए अपोजिट लेटर, तो आपको सिंपली वो जो पोजीशन नंबर है उस लेटर की उस मतलब कि 27 में से माइनस कर देंगे तो उसका अपोजिट लेटर निकल के आएगा, जैसे कि अपने को चाहिए ए का, एक माइनस कर देंगे फ्रेंड तो यहाँ पर आ जाएगा 26, और 26 पे आ जाता है फ्रेंड जेड। और बात करते फ्रेंड जैसे कि हमें कोई भी ले लीजिए आप उदाहरण के लिए यहाँ से, जैसे कि हम 27 में से मतलब कि ये घटा देते फ्रेंड जी, तो देखा फ्रेंड्स कि आपने मतलब कि 20 आ गया, जब 27 में से 7 माइनस करें तो 20 आ जाता है, जो कि टी का पोजीशन नंबर होता है, ये भी इस माध्यम से भी आप जा सकते हैं फ्रेंड्स अगर से आपको ये ट्रिक याद नहीं आ रही है तो। आई होप फ्रेंड्स आपको मतलब जो मैंने समझाया ट्रिक आपको मतलब अच्छे से और आसान तरीके से समझ में आ गई होगी, तो चलिए फ्रेंड्स उन वर्डों को भी देख लेते हैं कि जो रीजनिंग में स्टूडेंट को बहुत परेशान करते हैं, जिनका मतलब सेंटेंस में लगने के बाद उस सेंटेंस का पूरा अर्थ चेंज हो जाता है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। और लेकिन किंतु परंतु, जहां भी आपको और लेकिन किंतु परंतु दिखे फ्रेंड्स तो उसका अर्थ हो जाता है, या फिर ये सभी वर्ड फर्स्ट पर्सन को दर्शाते हैं, फर्स्ट पर्सन को दर्शाते फ्रेंड्स, और जब भी फ्रेंड्स सेंटेंस के बीच में जो दिखे या जिसका दिखे तो वह सेकंड पर्सन को मतलब कि सेकंड पर्सन को दर्शाता है। और फ्रेंड्स जैसे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब भी आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको समझ में आता है कि क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की दिशा में होगा और एंटी क्लॉकवाइज बोला तो घड़ी की विपरीत दिशा में होगा, बट जहां अगर से हिंदी में आता फ्रेंड कि दक्षिणावर्त और वामावर्त तो कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, तो फ्रेंड बट जब भी हिंदी में दिखे तो आप वहाँ पर इंग्लिश में भी मतलब दिया हुआ होता है क्वेश्चन, तो आप इंग्लिश में वहाँ पर कन्वर्ट मतलब उसको क्वेश्चन को कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि दक्षिणावर्त मतलब कि घड़ी की दिशा में मतलब कि क्लॉकवाइज हो जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज बोले फ्रेंड्स वामावर्त मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब कि जो घड़ी इस टाइप से चल रही तो वो एंटी क्लॉक की बात करें फ्रेंड्स ये विपरीत कांटा घूमने बैठ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी चीज़ें आसान और सरल भाषा में मतलब समझ में आई होगी, और फ्रेंड्स
इस क्लास के माध्यम से हमारा मतलब कि ठाकरे सर क्लासेस का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी सब्जेक्ट को जितना आसान और सरल भाषा में आपके तक पहुंचा सके पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम। और फ्रेंड्स, आपका भी एक कर्तव्य है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर जिस स्टूडेंट को इस क्लास की ज़रूरत हो तो उसकी नोट्स तक आप पहुंचा सकते हैं और ये काम आप ही कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यह सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो इस सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए।